बिग बॉस 15 में पिछले वीकेंड अभिजीत और देवोलीना के हुए झगड़े के बाद भी ना ही अभिजीत ने देवो के आगे पीछे घूमना बंद किया है और ना ही देवो ने उन्हें रिस्पांस देना, जहां प्रतीक भी बार बार देवो को समझाता है कि आप उससे इतने अच्छे से बात मत किया करो क्योंकि फिर वो कुछ उल्टा सीधा करेगा। इसी दौरान जहां राखी और देवो की बात सुन के अभिजीत कुछ ऐसा कमेंट करते हैं जो देवो को पसंद नहीं आता, जिसके बाद देवो उन पे पानी डालती है। लेकिन इसके बाद भी अभिजीत देवोलीना का पीछा नहीं छोड़ते और बार बार उसे फिर से दोस्ती करने के लिए कहते रहते हैं। कल यानी गुरुवार की लाइव फीड में जहां देवोलीना बेडरूम की साफ सफाई करती है, अभिजीत उसे कहते हैं प्लीज मेरे मैले कपड़े धो दे। देवोलीना हाँ कहते हुए शर्त रखती है कि पहले आप अपना बेड साफ कीजिए फिर मैं करके दूंगी, जिसके बाद अभिजीत उसके पीछे पड़ जाते हैं और बार बार कहते हैं कि प्लीज मेरे कपड़े धो के दे दे, खत्म हो गए हैं सारे। जहां अभिजीत का देवो को बार बार परेशान करते हुए देख तेजस्वी और करण अलग से एक एक बार आके उससे पूछते भी है कि कोई तकलीफ हो तो बताना, जिसके लिए देवो उस वक्त मना करती है और बाद में वॉशरूम एरिया में जाके अभिजीत के कपड़े धोके भी देती है। फिर अभिजीत हर बार की तरह बाथरूम में से सबको निकालने जाते हैं कि चलो बाहर निकलो मुझे नहाना है, लेकिन देवो वहां से नहीं निकलती, जिसके बाद अभिजीत टॉवेल के साथ ही गार्डन एरिया में पहुंच जाते हैं और कहते हैं मैंने आज का कंटेंट दे दिया, जिसके बाद वे फिर से बेडरूम में जाके सो जाते हैं, जहां कुकड़ू को बजते ही उमर रियाज उन्हें हाथों में उठा के गार्डन एरिया तक ले जाते हैं और पूल में फेंकने की धमकी देते हैं। इससे पिछली रात यानी कि बुधवार देर रात क्रिसमस पार्टी ओवर होने के बाद जहां देवो उनकी जगह बर्तन की ड्यूटी करती है और प्रतीक उन्हें कहते हैं वीआईपी रूम से चॉकलेट्स और बिस्किट्स चोरी करने के लिए, फिर प्रतीक खुद गार्डन एरिया में बैठी राखी को बुलाते हैं और राखी गुस्से में आके एक बार फिर अभिजीत पे पानी की बोतल उल्टा देती है। तो व्यूअर्स प्लीज कमेंट करके बताइए कि क्या देवोलीना को अभिजीत से दोस्ती बनाए रखनी चाहिए या फिर दूरी बनानी चाहिए, और क्या अभिजीत की ये हरकतें सही में फनी है।